टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है चुनावी खर्च मायने क्यों रखता है। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार नवंबर 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस चुनावों के लिए 16 अरब डॉलर का खर्च अनुमानित है, जो वैश्विक चुनावों की वित्तीय बोझ को दर्शाता है। भारत में 2024 लोकसभा चुनावों में राजनीतिक दलों ने लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे अनियंत्रित चुनावी खर्च पर चिंता उत्पन्न हुई। चलिए अब देखते हैं भारत में इसकी सीमाएं क्या हैं। बड़े राज्यों में लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 95 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 75 लाख रुपए है। विधानसभाओं के संदर्भ में बड़े और छोटे राज्यों के लिए ये सीमाएं क्रमशः 40 लाख और 28 लाख रुपए हैं। ये सीमाएं समय समय पर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च पर कोई सीमा नहीं है। चलिए अब देखते हैं उच्च चुनावी खर्च से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में। उच्च खर्च से प्रत्याशियों और दाताओं के बीच निर्भरता बढ़ती है, जिससे संभावित भ्रष्टाचार की संभावना होती है। खर्च अक्सर कानूनी सीमाओं से अधिक होता है और राजनीतिक दलों द्वारा सीमाओं से बचा जाता है। कुल खर्च का लगभग 25% अवैध रूप से मतदाताओं में वितरित किया जाता है। बढ़ती लागत योग्य व्यक्तियों को चुनावी राजनीति में भाग लेने से रोक सकती है। भारत में 2024 के चुनावी खर्च ने 1,00,000 करोड़ रुपए तक पहुँच कर भ्रष्टाचार के चक्र को और गहरा कर दिया है। चलिए अब देखते हैं कि चुनावी खर्च को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित सुधार क्या है। राज्य वित्त पोषण इंद्रजीत गुप्ता समिति द्वारा सुझाया गया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आंशिक सरकारी वित्त पोषण की अनुमति दी जाए। समानांतर चुनाव यह अत्यधिक खर्च को रोक सकता है, लेकिन इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। दलों के लिए खर्च सीमा इसी का प्रस्ताव है कि दलों के उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार सीमा तय की जाए। वित्तीय पारदर्शिता उम्मीदवार खर्च की सीमा में वित्तीय सहायता को शामिल करने के लिए कानूनों में संशोधन। न्यायिक सुदृढ़ीकरण उच्च न्यायालयों में चुनाव से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना। चलिए अब देखते हैं चुनाव के राज्य वित्त पोषण के लाभ। चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता राज्य द्वारा चुनावों के वित्त पोषण से नागरिकों का चुनाव फंडिंग और खर्च के बारे में जानने का अधिकार पूरा होता है, जो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाता है। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता राज्य द्वारा प्रायोजित चुनाव सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करेंगे, जिसे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। राजनीति का अपराधीकरण कम करना वोहरा समिति के अनुसार राजनीति का अपराधीकरण आपराधिक धन के राजनीतिक दलों को दान के कारण हुआ है। राज्य द्वारा चुनावी वित्त पोषण राजनीति के अपराधीकरण को कम करेगा। नागरिक केंद्रित निर्णयों को प्रोत्साहन राज्य द्वारा चुनावों का वित्त पोषण कॉरपोरेट पॉलिटिकल संबंध को तोड़ेगा और वर्तमान सरकार को नागरिक केंद्रित निर्णय लेने को प्रेरित करेगा। जवाबदेही में वृद्धि सार्वजनिक धन का उपयोग राजनीतिक दलों को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाएगा, जिससे दल जन संबंध सुधरेंगे और राजनीतिक कॉरपोरेट संबंध कमजोर होंगे। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। चुनावी खर्च के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, बड़े राज्यों में लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 95 लाख रुपए है और छोटे राज्यों में 75 लाख रुपए है। दो, चुनावी खर्च की सीमाएं समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।